the terrorists of whichever hues, either through neutralizing or ensuring that he comes back into the mainstream in form of surrender or acceptance of his fault, and thereafter is taken out of the circulation from the terrorist ranks. Question on the ground. So I will not like to link it with any other geopolitical situation. On this side of the LC, there is an intense jungle search which was carried out over a period of 3 days. As of now, our operation has ceased. There is no operation which is ongoing. We are sitting for a long term, and they were carrying adequate ammunition and grenades for facilitating more recruitment and more number of terrorists to be put in place. Thank you so much. जैसे कि जो हमारे पीएसए बैठे हुआ था उसमें टाउन का दो था कैरी, एक था रेडवर्णी का, उस तीनों में से हम लोग एक को पकड़ लिए। हम लोग हमारे पास एक है और उसके पूछताछ करने के बाद हम लोग 8 ओजीबलू को पकड़े जो उसमें बोल था। और जब देखे इसमें से 8 में से 6 जो था हमारे बीच में नहीं था, एक कन्फेस कर लिया, टेक्निकल एविडेंस हमारे पास आ गया। इस टाइम से आप देखते हैं जो कल अटैक किया था एक पुलिस वाले के बेटे पर, शॉपकीपर था, इनोसेंट आदमी था, अटैक करने के बाद केआरएफ ने क्लेम कर लिया कि ये मुखबिर था, जबकि कुछ मुखबिर नहीं था पूरा। फिर हम लोग पब्लिक ने आवाम से फोन आया कि फल्ला फल्ला आदमी था। फिर हम लोग एक को पिक किया, फिर इंटरोगेट किया, दूसरा के नाम दिया, तीसरा में जाके बताया कि कहाँ पर टेरिस्ट है, उसको कॉर्डन डाले, आर्मी पुलिस आदमी ने कॉर्डन डाला। हम लोग सरेंडर का वीडियो देखे होंगे, उनके पेरेंट्स माँ बाप अपील कर रहे हैं, फिर भी बेटा अंदर से फायरिंग कर रहे हैं। तो फिर इनकाउंटर से वहाँ निकला जुआ ऐसे टेरिस्ट है कि इससे बचने के लिए पुलिस वाले एक तो सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप केयरफुल हैं, जिनको थ्रेट है जो जो चीज़ के अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। जैसे कि हमारे पीएसए साहब का जो मार्टेड हो गया, अगर उस टाइम में वो उनके साथ 2-3 पीएसओ रहता जो कि साथ भी था 5 पीएसओ, लेकिन डिस्टेंस हो गया था तो शायद उसको टाला जा सकता था। हमारे एक जो एसओजी के थे कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में जो वनपुर में अटैक हुआ था, अगर एसओजी वाले हैं तो उनको कैंप से बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसे एसओपी है डू डोंट, हम लोग उनको फिर से एस्टेब्लिश है, फिर से उसे उसको पता है। लंबू के साथ जो टेरिस्ट मारा गया था उसका डीएनए रिपोर्ट आ गया, वो समीर डार नहीं है और एफटी है, उसका नाम गाजी रसीद है, पीओके से भी कन्फर्म हो गया। उसके घर पर लोग ताजे निकले गए हुए थे, तो जेएस का कमांडर था अब्दुल गाजी रसीद था, उसके साथ मारा गया, दोनों एफटी था। नंबर हाँ, थैंक यू।